इस उफनती हुई चाय के साथ आपको एक बात हम बताना चाहते हैं कि राजनीति भी बिल्कुल इस चाय की तरह होती है। नेताजी जितने धूप के अंदर प्रचार प्रसार करते हैं उतनी ही उनकी दावेदारी मजबूत होती है और उनके इलाके के अंदर कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं, जो वोटर होते हैं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जितना नेता घूमता है धूप में तपता है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और जब मुद्दे की बात उनके होती है तो वोटर और प्रत्याशी की ओर खिंचता है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में एनडीटीवी इंडिया आज पहुंचा है अजमेर के दक्षिण विधानसभा के आदर्श नगर इलाके में और मैं सुशील पाल आज आपको यहाँ के लोगों से बात कर कर ये बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर 15 सालों के अंदर अजमेर दक्षिण के अंदर क्या विकास के काम हुए, कौन से इस इलाके के मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम अभी तक नहीं हो पाया है और आने वाली सरकार से क्या उम्मीद यहाँ के लोगों को है। लोगों से ही बात करेंगे, लोगों से ही आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या, यहाँ के मुद्दे और सरकार ने वाकई क्या काम यहाँ पर किए हैं। बाबूजी हैं यहाँ पर। बाबूजी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस अजमेर दक्षिण के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं। अजमेर दक्षिण के मुद्दे पानी की किल्लत, लाइट की किल्लत, रोडों की किल्लत, कोई प्रशासन सुनता नहीं है। पार्षद से लगा के और प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक इनका है भाजपा का, लेकिन भाजपा के राज्य में जनता की सुनने वाला कोई भी नहीं है। उसका अगर आप प्रमाण लेना चाहते हैं, मैं एक छोटा सा प्रमाण देता हूँ। झील संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल जेएलएन के पास में सेटेलाइट अस्पताल है, जिसको कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया, जबकि ये वादे करते हैं, दावे करते हैं कि हमने सेटेलाइट, अगर आईटीआई के तहत आप निकलवा के देख लें, अगर सेटेलाइट हॉस्पिटल में भाजपा सरकार ने एक रुपये का भी विकास वो काम कराया हो, बिल्डिंग बढ़ाई हो, काम कराया हो, तो उसका प्रमाण आप ले लें। और अभी आप मेरे साथ चले, 3 दिन से सेटेलाइट हॉस्पिटल में भर्ती है मरीज, पीने का पानी नहीं है। इससे अच्छा, बड़ी क्या समस्या, पानी की बहुत बड़ी समस्या अजमेर के अंदर है। आप अच्छा सिंगाड़ी का ठेला लगाते हैं आप। अच्छा एक बात बताइए, आप सब्जी वाले हैं, मजदूरी क्या उतनी मिल रही है जितनी वाकई होनी चाहिए? नहीं मिल रही है साहब, नहीं मिल रही है। अच्छा तो एक बात बताइए कि 5 साल बीजेपी ने शासन किया, ठीक है, और वापस से चुनाव का पर्व आ गया, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है और यही मौका होता है जब आपको अपना विधायक चुनना होता है। आपके इलाके के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? हमारे इलाके में, मेरी बात सुनो, सबसे मुद्दे है मतलब सब पानी की समस्या, हर बात की कमी है और कहने मतलब बेरोजगार बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बेरोजगार के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, रोजगार के कोई अवसर नहीं है यहाँ पर। रोजगार का कोई मतलब अवसर नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रही, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई सरकार मतलब किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रही भाई, उनकी मतलब जेब भरने में रहती है। अच्छा आप ठेला चलाते हैं तो कोई पुलिस वाला परेशान तो नहीं करता? ठेला करता हमारे को 200 रुपये लेके चल जाता है, चालान मानू, कागज पर्चा भरा देता है, नहीं तो कोर्ट में जाओ ये बोलता है। अच्छा मतलब ठेले लगाने की भी कोई व्यवस्था आपके रोजगार की यहाँ पर कोई ऐसी नहीं है? कोई नहीं है ठेले लगाने कोई रोज, मतलब ये नहीं भी यहाँ पे लगा लो या यहाँ पे, हमारे को चलते फिरते ही कोई पुलिस वाले, कोई दुकानदार को कुछ भी नहीं बोलते, हमारे को बोलते हैं ठेले वाले दिखते, हम ही दिखते और कोई नहीं दिखते। तो चुनाव का पर्व है, ऐसे में उम्मीद क्या है कि विधायक साहब जब या जो प्रत्याशी हैं वो जब इस इंटरव्यू को देखें तो क्या मांग क्या है कि कोई आपके लिए रोजगार के लिए कोई नया जोन बनाया जाए, वेंडिंग जोन या क्या किया जाए, आप बताओ? रोजगार के लिए कोई नया, कोई अच्छा बढ़िया मतलब नेता चुनो, कहने मतलब सब सबको मतलब कोई परेशानी नहीं हुआ, सबको रोजगार मिले, सबको मतलब कहने मतलब कोई कमी की कोई पूर्ति करे, घर में परेशानी नहीं करे। घर में गैस है आपके या चूल्हा है? गैस है हमारे, गैस है। तो गैस के भाव सही हैं या क्या? नहीं, गैस के भाव और बढ़े हुए हैं साहब, मेरी और बढ़ा दिए, कहने मतलब 950 रुपये टंकी के ले रहे हैं, खाते में डाल रहे हैं, कोई डाल रहे हैं, कोई के नहीं डाल रहे हैं, है ना, कोई के आ भी जा रहे हैं, कोई के नहीं भी आ रहे हैं, कहने मतलब ये। अच्छा मतलब बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। एक और सीनियर यहाँ पर है, बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। अच्छा तो 5 साल में जो सरकार रही उनके काम से कितना आप खुश हैं और आपके इलाके की सबसे बड़ी समस्या है क्या वाकई आज की डेट में? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ एक तो पानी, बिजली, सड़कें, नालियाँ, लाइट व्यवस्था को बिल्कुल नाराज है। सफाई, बिजली तो सरकार ने टाटा को दे दी, यानी कि निजीकरण कर दिया, तो क्या इस निजीकरण से आप संतुष्ट नहीं है? निजीकरण के बारे में आप हाल देखो ना जाके, लोगों के जो बिल आ रहे हैं बिजली के, आज पहले जो बिल 3,000 का आता था वो बिल अब सीधा 9,000 रुपये का हो गया। मन मर्जी की रेटें हो गई है, मन मर्जी की कामें हो गई है ना। अभी लेटेस्ट एक मुद्दा था
एक आदमी के वो रीडिंग लेके गए जो रीडिंग अभी तक नहीं है। 12,000 यूनिट का उनको कंज्यूमेशन दिखा दिया जो 12,000 तो उसके मीटर में नहीं है और उससे बिल ले रहे। ये हाल है टाटा पावर का, समझे? बीजेपी ने अपनी मनमर्जी करके टाटा पावर को दे दिया। और लोग अजमेर दक्षिण की अगर मैं बात करूँ तो अजमेर दक्षिण के अंदर ट्रैफिक की व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ पर? ट्रैफिक तो छोड़ो, बेरोजगारी बहुत है यहाँ पे। हाँ, मैं मजदूर वर्ग का आदमी हूँ, बजरी बंद है। अच्छा, बजरी सबसे बड़ी बात। बजरी के कारण जो बजरी बहुत तरीके से बिक्री थी, अवैध खनन हो रहा था, लेकिन मजदूर वर्ग जो है वो बहुत परेशान है। अच्छा, ये बजरी से बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है ये समझाने की थोड़ी सी। तो बजरी बंद होगी तो काम ही बंद होंगे, तो बेरोजगारी फैलेगी, सबसे बड़ी बात बजरी की है। अच्छा, ये बजरी के कारण मतलब आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, जो मजदूर वर्ग हुआ उनको अब काम नहीं मिल रहा है ना? यही आप कहना चाह रहे हैं कि बजरी सरकार को चालू करनी चाहिए, अवैध तरीके से ना हो। उपाय क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए? उपाय तो जिसके पास लीज है उसको सस्ते दरों पर बेचना चाहिए बजरी को। अच्छा, बजरी बंद है तो महंगी दरों पर बेचते हैं तो कौन खरीदेगा? काम बंद होगा, अभी आप काम चलाओगे तो कैसे चलाओगे? क्या कहते हैं बाबूजी, कुछ आप कह रहे थे? मैं कह रहा था आज बजरी पर जैसे हाईकोर्ट का स्टे आया हुआ है तो सरकार से ये अपील हम कर रहे हैं कि एक लीगल तरीके से उसका एक जवाब पेश करे कोर्ट के अंदर, जो कम से कम आज जो बजरी बंद हुई है उससे हजारों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए, उनके पास में काम नहीं है, गाँवों के अंदर काम नहीं, गाँव के पूरे आदमी आके यहाँ काम कर रहे थे। तो हमारी अपील ये रहेगी कि सरकार को इसका रास्ता निकाले, उसमें बीच में कोई इंटरफेयर करे हाईकोर्ट से, तो कम से कम बजरी लीगल तरीके से चालू तो हो। ये आने वाली सरकार के लिए एक जवाब है वोटर का, उन्हीं के ये सुझाव भी है कि जब सरकार उनकी किसी भी पार्टी की बनती है तो बजरी के ऊपर ये जो सुझाव इन्होंने दिया उसके ऊपर उनको काम करना चाहिए। आप युवा हैं, 5 साल के अंदर रोजगार की स्थिति क्या रही? रोजगार तो शून्य है। शून्य है, आरपीएससी मुद्दा नहीं लगता आपको? आरपीएससी मुद्दा, ये सब मुद्दे तो है, लेकिन एक जो मुद्दा है कि भाई दोनों सरकारें बोल रही थी कि युवाओं को टिकट देंगे, इस पर खरी नहीं उतरी है सरकार, युवाओं को टिकट नहीं दिए हैं। और रोजगार के मुद्दे तो बने हुए हैं, ये मुद्दे तो है ही हैं, और बाकी सड़कों के मुद्दे और नहीं। आपकी कॉलोनी को अगर पिछले 15 साल से आकलन किया जाए, आदर्श नगर इलाके को, तो यहाँ तो बहुत विस्तार हुआ है, यहाँ तो बहुत काम हुआ है। विस्तार तो हुआ है, विस्तार में कोई वो नहीं है, विस्तार तो हुआ है, वो तो होगा ही सही, क्यों नहीं होगा। लेकिन एक और कि हमारा जो शहर है वो स्मार्ट सिटी हो गया, आपको स्मार्ट नजर आया? सिटी कहाँ नहीं, स्मार्ट तो हुआ नहीं है अभी तक तो कुछ स्मार्ट नहीं हुआ है। ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो धरी की धरी है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है आपके इलाके के अंदर? सुरक्षा व्यवस्था तो ठीक है, बाकी इतनी खास नहीं है जितना वो बता रहे हैं। स्मार्ट तो कुछ हुआ नहीं है, बाकी कागजों में स्मार्ट है, बाकी ऐसा स्मार्ट कागजों में स्मार्ट है, स्मार्ट नहीं है पुलिस। स्मार्ट तो पुलिस कहाँ होगी, जब उनके ऊपर से दबाव आते हैं उनके पास तो वो किसी मंत्रियों की सुनते हैं, जनता की सुनते नहीं, जनता को परेशान करते हैं। और विकास की बात करते हैं, आप अभी बोल रहे थे कोई भाई कि विकास हुआ है, मैं कह रहा हूँ विकास तो पैदा ही नहीं हुआ। 15 साल से यहाँ की विधायक है हमारी अनिता बदेल, जो बीजेपी की रही है, इन्हें जनता ने आशीर्वाद दिया, जबकि दक्षिण विधानसभा के अंदर एक भी ऐसा मॉल नहीं है और ऐसे एक भी पार्क नहीं है कि वो हम साबित कर सके हमने विकास करा। विकास उसका उत्तर का हो रहा है, विकास दक्षिण का कोई विकास नहीं है। आना सागर झील ले लो, चौपाटी ले लो, सब उत्तर के अंदर आते हैं, मॉल ले लो सब उधर है, लेकिन दक्षिण विधानसभा सिर्फ गांव के सिर्फ गांव की तरह रह चुका है और पिछड़ चुका है, इसके कोई मुद्दा नहीं उठाया। दक्षिण विधानसभा है जो गांव रह गई है। बाबूजी बहुत पुराने हैं, बात करेंगे बाबूजी? नहीं करेंगे, वोट तो देते होंगे। चलिए कोई बात नहीं, एक महिला है, महिला से हम वो भी बात नहीं करना चाहती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन युवाओं से ही हम बात कर लेंगे। ऐसा लगता है कि अभी भी ये हालात है, हमको मजबूर है यहाँ पे रहने के लिए, कि हमारे यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। सबसे बड़ी पानी की समस्या है, पेयजल की है, किल्लत इतनी है। बीसलपुर का पानी जो कि 96 घंटे के अंदर अजमेर में सप्लाई हो रही है, जयपुर को रोज़ाना दिया जा रहा है। तो हमारे को ये लगता है हमारा जो हमारी विधायक है उनका राजनीतिक नेतृत्व इतना कमज़ोर है कि वह हमारी मांग को विधानसभा में सही तरीके से उठा नहीं पाती है। तो बिल्कुल अजमेर दक्षिण के अंदर आदर्श नगर इलाके में जो बातचीत हमने अभी तक करी है उसके अंदर यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्याएँ हैं वो पानी और यहाँ का जो अस्पताल सेटेलाइट अस्पताल जो यहाँ पर बना हुआ है उनकी वहाँ की जो व्यवस्था है वो भी एक बड़ी समस्या है, और उसके साथ साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है और ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार यहाँ पर एक बड़े मुद्दे के तौर पर दिखाई दे रहा है हमें कि यहाँ पर पूरे इलाके के अंदर रोजगार ही कोई बात नहीं हो रही है।
रोजगार की कोई बात नहीं हो रही है। एक युवा साथी है हमारे साथ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दक्षिण के लिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है, वाकई पिछले 15 सालों में कोई डेवलपमेंट नज़र आया है? क्योंकि बड़ा तो है आदर्श नगर कहीं ना कहीं। देखिए सर, आदर्श नगर में एक दक्षिण एरिया में बालूपुरा धानाड़ी बालूपुरा रोड भी आता है, तो वो क्षेत्र आता है बीजेपी के एरिया में। जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा, जो प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी है, मोदी साहब ने ये कहा था कि एक मुहिम चलाया उन्होंने स्वच्छ भारत का, तो अगर आप वहाँ आकर के देखें तो मैं ये कहूँगा कि स्वच्छ भारत के मुँह पे एक तरह से पूरी तरीके से काली पुती हुई है कि वो आकर के देखें कि वहाँ कितनी गंदगी है। रेलवे पुलिया बनी हुई है, उसके अंदर अगर सफाई के लिए हमने इतने बार अनिता माननीय जो हमारी जो रही हुई हैं विधायक हैं अनिता बधेल जी, उन्होंने उनको इतने लेटर्स दे दिए कि वहाँ पर आप नाली का निर्माण करवाएं, वहाँ पर सड़क का निर्माण कराएं, लेकिन 2 साल के अंदर जहाँ पर पब्लिक कहाँ से कहाँ पहुँचे, कि विकास कहाँ से कहाँ पहुँचने की दिखाया जाता कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन मेरे को तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन एक बात ये भी कही जाती है कि जो आपके MLA अभी हैं वो बड़ी व्यवहारिक हैं, यानी कि उनके व्यवहार के अंदर कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक दिखावा है, वो सिर्फ एक दिखावा है, राजनीतिक दिखावा है। लोगों के अपना विकास कराने के तौर पर सब ये दिखाना है कि भाई आप आओ और बीजेपी को वोट दो साहब। वहाँ पर अगर कोई आए तो शिलान्यास किया हुआ है, थोड़े दिन बाद वहाँ की पब्लिक ने उनका शिलान्यास की जो एक वो बनाते हैं कि श्रीमती अनिता बधेल द्वारा जो किया गया वो टूटी पड़ी थी एक साइड में, पब्लिक में इतना गुस्सा था कि इन्होंने वो तोड़ दिया। स्मार्ट सिटी की अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी के तहत जो लाइटें हैं और जो कैमराज हैं, या स्मार्ट पुलिस की बात करें या कचरा प्रबंधन की बात करें, तो अब क्या बोले कि किसने क्या कराया है, देखना की बात है। पब्लिक स्मार्ट तब बनती है जब पब्लिक स्मार्ट होती है, और ये सब दिखाने से कुछ थोड़ी हो जाता। मैं तो ये पहले भी देखता आया हूँ, ये चीज़ें पहले से भी थी जो आप दिखा रही है, जो दिखा रहे हैं आने वाली जो गवर्नमेंट दिखा रही है वो पहले से भी थी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के अंदर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है अजमेर दक्षिण विधानसभा के आदर्श नगर इलाके से, वो यही आ रही है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, और उसके साथ साथ स्मार्ट सिटी के तहत जो काम सरकार को करने चाहिए थे वो काम नहीं हुए हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में फिर आपको दिखाएंगे हम अजमेर दक्षिण और उत्तर दोनों विधानसभाओं के और भी कई लोगों की बात। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर।